हेलो बच्चों, मैं रही मुनीषा फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ पद्य पाठ मातृभूमि। बच्चों, क्या आप जानते हो कि आपके पाठ्यक्रम का हर एक पाठ, चाहे पद्य पाठ हो या गद्य पाठ, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आधारित होता है? हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे मातृभूमि, देखेंगे कि मातृभूमि पाठ का उद्देश्य क्या है। बच्चों, इस पद्य का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में भारत माता की विशेषता तथा सुंदरता का परिचय देना, बच्चों में देश प्रेम की भावना तथा कर्तव्य परायणता की भावना को उजागर करना आदि। क्योंकि हर सच्चे भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम होना अनिवार्य है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना बच्चों, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जब यही प्रेम मातृभूमि के प्रति होता है तो वो देश प्रेम और देशभक्ति कहलाता है। यह हमारे अंदर देश के लिए त्याग तथा बलिदान की भावना को पैदा करता है। तो आगे बढ़ते हैं मातृभूमि की ओर। तो बच्चों, कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। मातृभूमि के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। वे विचार और नवजीवन पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्होंने आकाशवाणी में भी सेवा की। इनकी रचनाएं हैं, उपन्यासों में चित्रलेखा पर 2 बार फिल्म बनी है। इनका एक और उपन्यास भूले बिसरे गीत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अन्य उपन्यास हैं पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा आदि। कहानियों में मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां प्रमुख हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं सविनय और एक नाराज कविता। नाटक में वसीयत प्रमुख है। इस प्रकार इन्होंने साहित्य के कई पहलुओं को छुआ है। इनका देहांत 1981 में 5 अक्टूबर को हुआ। तो आगे बढ़ते हैं पद्य पाठ के ओर। मैं पहले पद्य पढ़ते हुए एक एक पैराग्राफ समझाती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। अगर कहीं आपको कुछ दिक्कत हो या समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका परिहार करूंगी जरूर अगले अगले वीडियो में। तो देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे पद्य को। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो सबसे पहले कवि मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हें कोटि कोटि वंदना। यानी शत शत यानी 100 100, 100 100 यानी बहुत सारा, बहुत सारा यानी कोटि कोटि, जितना भी हो कोटि कोटि वंदना करते हैं। क्योंकि तुमने अमर सेनानियों को जन्म दिया है, अमरों की जननी हो। यानी ऐसी सेनानियों को, ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत वर्ष का नाम उजागर किया और वे अमर हो गए। जैसे भगत सिंह है, वैसे सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे कई अमर सेनानियों को तुमने जन्म दिया जिसने आदिकाल से लेकर अब तक अमर सेनानियों को, अमर पुत्रों को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे नाम को रोशन किया। इसीलिए तुम्हें हम आदर से कोटि कोटि वंदना करते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम। आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तेरे उर्मे शायित, उरी यानी हृदय। कवि कह रहे हैं कि माता तेरे हृदय में शायित सोए हैं। क्योंकि अमर लोग मरते नहीं है बच्चों, अमर लोग हमेशा जीवित रहते हैं, तो उनको मरा हुआ नहीं मानते, इसलिए अमर अमर जो है सोए रहते हैं। तो वो कह रहे हैं तेरे उर्मे, तेरे हृदय में यानी तेरे अंदर। कैसे अमर लोग सोए हुए हैं? गांधी, बुद्ध और राम। गांधी जिन्होंने हमारी भारत माँ को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, बुद्ध
जिन्होंने हमारे भारत माँ के बच्चों को अंधकार से बाहर लाया, और राम जो आदर्श का प्रतीक है, तो ऐसे महान पुरुष तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर सोए हुए हैं, इसीलिए हम तुम्हारी कोटि कोटि वंदना करते हैं। तो समझ में आया ना बच्चों कि कवि कहना चाहते हैं कि मातृभूमि तुम अमरों की जननी हो, तुम्हारे हृदय में गांधी बुद्ध राम जैसे अमर सेनानी सोए हुए हैं, इसीलिए हम तुम्हारी कोटि कोटि वंदना करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि कवि आगे मातृभूमि के सौंदर्य का बखान करते हुए, सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। तो कवि कह रहे हैं, हे माता, तुम्हारे खेत हरे भरे समृद्धि से भरपूर हैं, यानी तुम्हारे अंदर इतनी समृद्धि है कि तुम्हारे खेत हमेशा हरे भरे लहलहा रहे हैं, सुहाने यानी देखने के लिए बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर हैं, इतने हरे भरे हैं तुम्हारे खेत, समृद्धि से भरे हुए हैं, और उनमें वन उपवनों में क्या भरा हुआ है, वन यानी जंगल, उपवन यानी हमारे बगीचे, बाग बगीचे कुछ भी होते हैं ना, तो खेत खलियान सारे, वन उपवन किससे बने भरे हुए हैं, फल फूलों से, यानी तुम समृद्धि का प्रतीक हो, तुम हमें अन्नदाता हो, हमारा इतना ख्याल रखती हो कि हमें फल फूलों से, धान्य से हमें हमेशा समृद्ध रखती हो, फल फूलों से युत, युत यानी भरे हुए, युत वन उपवन। आगे कहते हैं, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, यानी मातृभूमि के अंदर खनिज यानी मेटल्स हो या फिर कोई भी हीरे हो, कोई भी हीरे की खाने हैं हमारी मातृभूमि के अंदर, और हर तरह के धातु सभी हमारी मातृभूमि के अंदर मिलते हैं, तो खनिज, इतने सारे खनिजों का व्यापक, बहुत सारा व्यापक यानी जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा व्यापक धन भरा हुआ है, कहाँ पे, तेरे अंदर, तेरे भूमि के अंदर। अगर हम भूमि को खोदेंगे तो वहां पे हमें हर तरह के खनिज, हीरे, जवाहर सब मिलेंगे, तो तेरे अंदर क्या भरा हुआ है, खनिजों का व्यापक धन, व्यापक यानी बहुत ज्यादा, बहुत मात्रा में धन भरा हुआ है। और आगे कहते हैं, मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, और माता से कहते हैं कि है माता, तुम्हारा हृदय इतना बड़ा है कि तुम मुक्त हस्तों से, यानी किसी को ये नहीं देख रही है कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, या फिर ये नहीं देख रही कि ये गरीब है या अमीर है, और ये भी नहीं देख रही हो कि ये काला है या गोरा है, ये भी नहीं देख रही हो कि ये उत्तर भारत का है या दक्षिण भारत का है, ये भी नहीं देख रही हो कि ये विदेश से आकर यहाँ पे बसा हुआ है, ये फिर या फिर ये मेरे मेरा ही पुत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं देख रही, सभी को मुक्त हस्तों से, यानी एक समान मुक्त हस्तों से तुम इस सुख संपत्ति धन धाम को, सुख संपत्ति धन धाम यानी घर रहने के लिए जगह, ये सुख संपत्ति धन धाम को सभी को एक समान बांट रही हो, तो तेरा हृदय इतना विशाल है, इसीलिए तुम कोटि कोटि वंदना के योग्य हो, इसीलिए हे मातृभूमि हम तुम्हें शत शत प्रणाम करते हैं। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। अब आगे मातृभूमि के ज्ञान तथा न्याय का बखान करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारे एक हाथ में न्याय पताका है, यानी तुम न्याय का प्रतीक हो, तुमने कभी अपनी संतान में, अपने बच्चों में, अपने देश के नागरिकों में कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में न्याय पताका है, तुम हमेशा हमारे साथ न्याय करती आई हो, और दूसरे हाथ में
क्या है? ज्ञान दीप है, यानी महान महान ज्ञानियों को तुमने जन्म दिया है। तुम्हारी भूमि में पले बड़े, तुम्हारे अन्न को खाकर तुम्हारे ज्ञान से समृद्ध बड़े बड़े ज्ञानी इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, यानी तुम ज्ञान का सागर हो। तो आगे इसी न्याय और ज्ञान को सारे विश्व में फैलाते हुए जग का रूप बदलने के लिए कह रहे हैं कि जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। कवि कह रहे हैं कि जग में आज अन्याय तथा अशांति तथा अज्ञान फैला हुआ है, तो हे माता, हम सारे भारतवासी तुम्हारे साथ हैं, कोटि कोटि भारतवासी तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने न्याय तथा ज्ञान के मार्ग से, शांति के मार्ग से इस जगत का रूप बदल दो, सारे जग का ही रूप बदल दो, जिसके कारण पूरे जगत में, यानी सकल नगर और ग्राम, यानी पूरे नगर ग्राम, यानी पूरे विश्व में जय हिंद का नाद, नाद यानी आवाज, नारा, जय हिंद का नाद गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। हे माता, तुम अपने न्याय तथा ज्ञान से इस जगत का रूप बदल दो, जिससे सारे जगत में तुम्हारे जय जयकार हो, तुम्हारा नाम हो, तुम्हें तुम्हारी जय जयकार हर जगह फैले। हे मातृभूमि, तुम्हें कोटि कोटि वंदना, मातृभू शत शत बार प्रणाम। के आपको कितना समझ में आया है इसका? इसे देखने के लिए हम कुछ प्रश्नोत्तर को, प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण करेंगे। मैं करती जाऊंगी, आप सुनते जाइए। तो एक वाक्य के प्रश्न है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माता के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ उसकी कोटि कोटि संतान है। सभी ओर क्या गूंज रहा है? सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज रहा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। मातृभूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? तो सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्तों से, यानी अपने दोनों हाथों से बांट रही है, मुक्त हस्तों से बांट रही है, बिना किसी भेदभाव के। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर है, जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। आखिरी प्रश्न बनेगा, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? तो कवि की आशा है कि जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में, यानी पूरे विश्व में गूंजना चाहिए। तो ये हो गए एक एक अंक वाले प्रश्न। आगे देखते हैं, दो तीन वाक्यों में तीन अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। 2018 में भी पूछा गया है और कई बार पूछे गए हैं तीन अंक वाले प्रश्न। देखते हैं हम, पहला प्रश्न होगा, मातृ भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही आसान है कि मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं, उसके वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, उसके अंदर यानी मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिसे मातृभूमि मुक्त हस्तों से बांट रही है, और ये सारा देखने में बहुत ही सुंदर और सुशोभित है। इतना लिखना काफी है। तो नेक्स्ट, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? कि मातृभूमि दिखने में कैसे दिख रही है, सुशोभित यानी रूप कैसा दिख रहा है? तो मातृभूमि के उत्तर होगा, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, जो बहुत ही सुंदर और सुशोभित है, जो ज्ञान का और न्याय का प्रतीक है, और ये न्याय और ज्ञान के द्वारा मातृभूमि अपनी कोटि कोटि जनता को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रही है। ये तो इसके बाद जो भी है भावार्थ है, एक भावार्थ है
एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसका भावार्थ पूछा गया है, तो ये भी बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों को हम मातृभूमि पद्य से लिए हैं। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा, वो इन पंक्तियों के द्वारा हमें कह रहे हैं, मातृभूमि का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है जो न्याय और ज्ञान का प्रतीक है। तो इसके कारण जो भारत की जनता यानी कवि भारत माँ से निवेदन करते हैं कि हे माता, तुम अपने न्याय तथा ज्ञान से जग का रूप बदल दो, जिसके लिए हम सारे भारतवासी तुम्हारे साथ हैं, जिसके कारण जगत में ज्ञान और न्याय और शांति फैले, और इस कारण से सारे जगत में तुम्हारी जय जयकार हो, जय हिंद का नाद हर ओर गूंज उठे, ऐसा कवि इच्छा कर रहे हैं। तो ये हो गया भावात। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो बच्चों, बहुत ही आसान है। अगर एक बार पद्य को समझ जाओ तो भावार्थ लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। भावार्थ होता ही अपनी भाषा में लिखना, यानी आप जो समझे हो, यानी अपने जो ज्ञान को व्यक्त करना ही होता है वहां पे, आप अपनी भाषा में भी लिखोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होगा तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो आशा करती हूँ पद्य पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों। एक बार भावानुकूल स्वर में गा के बताना चाहूंगी, जिससे पद्य पाठ को कंठस्थ करने के लिए आपको आसानी हो। तो पद्य है मातृभूमि, कवि है श्री भगवती चरण वर्मा। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने फल फूलों से युत वन उपवन, हरे भरे हैं खेत सुहाने फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम, मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर्मे शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको
शत शत बार प्रणाम।